नाम के व्यक्ति ने जी है फायरिंग करके अपनी जी है घर वाली जी सुखप्रीत कौर वो भी जी है मौत कर दी है। तो वो जोड़ा है जोड़े यदि दूसरी जी लेडी जिद नए नजायज संबंध से तरकलजीत कौर यदि माता तो यदि भैन हैगी है तो ये दूजे की जी है वो साजिश है तो उन्होंने शह तो इन्हें जोड़ा है भी वो कतल जो है ये बहुत ही घट समय के जोड़े है ये दोषी जोड़े है इन्होंने अरेस्ट कर दिया संबंध के उदों इन्हों आपसी ये फैसला होया कोर्ट केस करांगे तो कोर्ट केस इन्होंने चल भी रहे हैं पर कल पता नहीं की गल हुई इन्हों की जी आपस के जोड़े ये लड़की नाल लैके गल कर गए थे निके घर वाले सुप्रीत कौर के उत टकरा बंदे भी अरेस्ट कर हाँ वो नैक्सट जोड़ा है अगर बस हथियार ही बरामद कराना और बस जब पक्की गल कर बठिंडा के पिंड जीवन सिंह वाला विखे पत्नी का कतल करने वाला पति भैन पनोईया माते सहेली नू पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीती कल बठिंडा के पिंड जीवन सिंह वाला विखे एक व्यक्ति वालों अपनी पत्नी का गोली मार के कतल कर दिया गया। डीएसपी तलवंडी साहब और जे स्नेही ने जानकारी देंद्या दसा कि मृतक औरत के भरा ने जानकारी देंद्या दसा कि उसके पनोईए के किसी बाहर औरत के नाल नजायज संबंध सन जिसनू लैके उसकी भैन उसका कलेश चलता रहा है। बीती कल भी वह अपनी पत्नी समेत अपनी भैन छड़न दे लई पिंड जीवन सिंह वाला विखे आए तो किसी गल नू लेके तकरार हो गया अते उसके पनोईए वालों गोली मार के उसकी भैन का कतल कर दिया गया अते उसनू जख्मी कर दिया। डीएसपी राजेश स्नेही ने जानकारी दिंदिया दसा कि इसके भरा के बयान से तलवंडी साबो थाना विखे मृतक औरत के पति उसकी ननान नंदोईया सस से एक गैर औरत के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया अते इन्हां पंजां नूं गिरफ्तार किया गया। डीएसपी ने कहा कि 18 तरीक नूं इन्हां नूं मानयोग अदालत च पेश कर इन्हां दा रिमांड हासिल किया जाएगा ते वरती गई राइफल इन्हां दे कोलों बरामद करवाई जाएगी। कल मिति 16/10/2024 नूं वक्त करीब 3 बजे शाम एक जिहड़ी इनफॉर्मेशन सानूं मिली सी जिदे विच पता लग्या सीगा कि एक जगतार सिंह नाम के व्यक्ति ने जिहड़ी हैगी है फायरिंग करके अपनी जिहड़ी हैगी है घर वाली जिहड़ी सुखप्रीत कौर उहदी जिहड़ी हैगी है मौत कर दित्ती है। ते उहदे विच जिहड़ा हैगा जिहड़े इहदी दूसरी जिहड़ी लेडी जिहदे नाल इहदे नजायज संबंध सीगे निर्मलजीत कौर इहदी माता ते इहदी जिहड़ी भैन हैगी है ते इहदे जीजे की जी है वो साजिश है तो उन्होंने शह तो इन्हें जोड़ा है भी वह कतल जो किया तो ये जोड़ा जगतार सिंह है ये निर्मलजीत कौर के नाल काफ़ी समय तो जोड़े है नजायज संबंध इन्हों के दसे मुताबिक चल रहे हैं तो जिदे करके इन्हों का आपस के काफ़ी देर तो तकरार चल रहा जी सुखप्रीत कौर है तो जोड़ा जगतार सिंह है इन्हों का आपसी तकरार काफ़ी देर तो लड़की जी सुखप्रीत कौर अपने पेके रह रही थी इन्हों के कोर्ट केस भी चल रहे थे तो इन्हों कल ये जोड़ा है ये पेके जोड़े सुखप्रीत कौर के इन्हों छन जोड़ा है उसे आए थे गलबात जीवन सिंह वाले पिंड वो सहुरे घर उत्थे जोड़ा है इन्हों का आपस तकरार हो गया तो जिदे करके जोड़ा जगतार सिंह ने अपनी एक जी है अनऑथराइज्ड 12 बोर राइफल हैगी है पता लगी वो जोड़ा है गोली चलाती ये जी 12 बोल की राइफल है ये पता लगे भी ये जी अपना ये संबंध से असी जो है एक FIR नंबर जोड़ा 169 मिति 16/10/24 अंडर सैक्शन 103 109/3/5/62 BNS 25/53 हार्म्स एक्ट के तहत थाना तलवंडी दर्ज किया। इंस्पैक्टर सरबजीत कौर ने अपनी टीम को नाल लैके तुरंत कार्रवाई करते हुए बड़ी हिम्मत के नाल जोड़ा पंजों दोषी है जोड़े है वो अज मिति 17/10/24 जोड़े अरैसट कर ले है तो बहुत ही घट समय के जोड़े है ये दोषी जोड़े है इन्होंने अरैसट कर ले है। राइफल वरती गई है जो चुन जाबता लग्या होना करके कि
ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਖੁਲਾਸੀ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ 25-54-58 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ FIR ਲੌਜ ਕੀਤੀ। ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰਿਆ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਿਆ? ਹਾਂ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖਤਾ ਹੈਗਾ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਲੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਰੱਖੇ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਸੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਅਸਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਸੀ ਇਸ ਸਬੰਧ? ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦੇ ਇੱਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਹੁਣ ਘਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਈ ਹੈਗਾ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਸਨ ਆਫ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਕਲਾਲ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੌਜ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜਿੱਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੇ? 5 ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ 5ਵੇਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਦੇਣਾ ਖਲਾਸੇ ਹੋਏ? ਹਾਂ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਬਸ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਬਸ ਜਦ ਪੱਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰ ਕੇ ਕੌਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਨਸੇ। ਇਹ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ।